हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज से 110 साल पहले उस वक्त का दुनिया के सबसे बड़ा मुसाफर बरदार बैरी जॉज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ था। उसने 10 अप्रैल 1912 में अपने पहले सफर का आगाज किया था और 4 रोज बाद यानी 14 अप्रैल को हादसे का शिकार हो गया था। इस सानिये में 1517 अफराद डूब कर हलाक हो गए थे जबकि 706 अफराद को बचा लिया गया था जिनमें जहाज का अमला भी शामिल था। लेकिन अब अगर आप डूब जाने वाले मशहूर बैरी जॉज टाइटैनिक को करीब से देखना चाहते हैं तो चंद साल इंतजार फरमाएं, क्योंकि चीन में हकीकी जसामत वाले इस मशहूर जहाज के मॉडल पर तेजी से काम जारी है। चीन के सूबे सिचुआन में वाकई एक मशहूर थीम पार्क में इसका मॉडल बनाया जा रहा है जो एन टाइटैनिक की तरह 886 फुट लंबा और 92 मीटर चौड़ा होगा। इसकी तैयारी पर 15 करोड़ 30 लाख डॉलर की रकम खर्च होगी और इसका वजन 23,000 टन होगा। मुसाफिर इस जहाज का टिकट खरीद कर एक रात यहाँ गुजार सकेंगे जिस पर हर तरह की सहूलियात मौजूद होंगी। जहाज में खाने पीने के फ्लोर, अर्श से नजारा करने की सहूलियात, थिएटर, तैराकी पूल और बड़े हॉल भी तमीर किए जा रहे हैं। लेकिन किसी समंदर की बजाय इसे मशहूर दरिया चेजियांग में ठहराया जाएगा जो समंदर से सैकड़ों मील दूर है। इसे टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है जिसमें 2435 मुसाफरों के लिए 835 कैबिन बनाए गए हैं। तवक्को है की 2022 में ये मंजर आम पर आ जाएगा और समंदर की राह लेगा। इससे पहले 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया ने टाइटैनिक के मॉडल का ऐलान किया था। दोस्तों, क्या आप इस टाइटैनिक जहाज में सफर करेंगे? अगर करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम साबुन को मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्मों में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप घोंगों की गलाजत वाली चिकनाई से बने साबुन से मुंह धोना पसंद करेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक फ्रांसीसी नौजवान ने ऐसे साबुनों की फरोख्त शुरू की है। 28 साल नौजवान जिसका नाम डोमेन है, उसने घोंगों की बड़ी तादाद को पाला हुआ था और वो इसके गाढ़े लेसदार मादे से बने साबुन को गुज़िश्ता वर्ष दिसंबर से फरोख्त कर रहा है। उसका कहना था कि कोरिया और चीन में खवातीन घोंगों से चेहरे का मसाज करवाती है क्योंकि इसकी चेचा और जल्द पर उम्र रसीदगी के असर रोकती है और इसे शदाव बनाती है। डोमेन का कहना था कि एक घोंगे से एक वक्त में 2 ग्राम तक सलाइम मिलता है और एक साबुन की एक टिकिया बनाने के लिए 40 घोंगों का लेसदार मादा जमा किया जाता है। इस तरह 80 ग्राम सलाइम को सबूनी जिजा में मिलाकर कई टिकिया बनाई जा सकती है। डोमेन के मुताबिक इसके लिए कई घोंगे दरकार होते हैं। इसके लिए उन्होंने 60,000 घोंगे पार रखे थे और सिर्फ 6,000 तो अपने घर में ही रखे हुए थे। इनसे सलाइम खारिज करना भी एक अमल है। वो पहले घोंगों को सब्जा और गोभी वगैरह खिलाते हैं और बाद में सुंगली से छूते हैं तो वो रद्द अमल में अपना गीला लेसदार मादा खारिज करते हैं। उनका कहना था कि इस तरह घोंगों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर इनसे साबुन का खाम माल लिया जा सकता है। अगरचे मगरब में अब तक घोंगों की अफदिया सामने नहीं आई, लेकिन मशरकी एशिया के कई ममालिक मसलन चीन और कोरिया वगैरह में घोंगों का मसाज आम है और इसकी चिकनाई को चेहरे पर बराह रास्त लगाया जा सकता है। कुदरत ने घोंगों को ये चिकनाई इसलिए दी है कि वो अपने सख हौल में दाखिल होते और बाहर निकलते हुए किसी जख्म का शिकार ना हो। दोस्तों, क्या आप इस साबुन से नहाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।